अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त देख रहे हैं गंगोल बाजार की नई मस्जिद, जो हम आपको अंदर और बाहर पूरा दिखाएंगे और मदरसे का अंदर और बाहर पूरा दिखाएंगे और मीनार की ऊपर से नीचे तक पूरा दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, मेरे चैनल मेरा गाजी जिंदाबाद में। दोस्तों अगर आप नाज शरीफ सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। एक दिन मैंने चांद से पूछा, तू है कितना सी, तू है कितना सी। एक दिन मैंने चांद से पूछा, तू है कितना सी, तू है कितना सी। कोई तुझसा नहीं, कोई तुझसा नहीं, चांद ये बोला नादान, चांद ये बोला नादान। तुझे खबर नहीं, तुझे खबर नहीं, जिस हुस्न का तालिब है तू, जिस हुस्न का तालिब है तू, वो इधर नहीं, वो इधर नहीं। जा शहर मदीना जा, जा 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 के देख जरा, है बड़े खूबसूरत हबीबे खुदा, है बड़े खूबसूरत हबीबे खुदा। एक दिन मैंने फूल से पूछा, तू है कितना हसी, कोई तुझसा नहीं, कोई तुझसा नहीं, तेरे भीनी भीनी खुशबू से महकाए सारा जहां, अरसे जमी अरसे जमी। चांद ये बोला नादान, तुझको खबर नहीं, तुझको खबर नहीं, जिस हुस्न का तालिब है तू, जिस हुस्न का तालिब है तू, वो इधर नहीं, वो इधर नहीं। जा शहर मदीना जा, जा 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 के देख जरा, है बड़े खूबसूरत हबीबे खुदा, है बड़े खूबसूरत हबीबे खुदा। अरसे वाली पर मैंने देखा फूर मलक की कतार, अरसे हंसते हुए रहते हैं इंसान मदीने में, इंसान मदीने में हंसते हुए रहते हैं इंसान मदीने में। हर वक्त चमकता है, हर वक्त चमकता है ईमान मदीने में, हर वक्त चमकता है ईमान मदीने में। अल्लाह ने घर आका का, अल्लाह ने घर आका का ऐसा बनाया है, अल्लाह ने घर का ऐसा बनाया है कि दाखिल हो नहीं सकता उसमें शैतान मदीने में,
कि दाखिल हो नहीं सकता। शैतान मदीने में हंसते हुए रहते हैं, ईमान मदीने में हर वक्त तड़पता है। फलापो ये गंगमल में हर वक्त तड़पता है। फलापो ये गंगमल में कौन फला बकरीदी फला यानी मैं। हमको रसूल पाक का हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। करते अरे उनको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। अरे उनको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। हमको रसूल पाक का हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। दोस्तों अगर आप नाज शरीफ सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी।